संत कबीर नगर में देखिए प्रत्याशी लोग कहते हैं बाहरी है बाहरी है, यही लोग कहते हैं, लोगों का यही मत है जिससे पूछिए कि प्रवीण निषाद जी बाहरी हैं। 5 साल सांसद रहे हैं, कुछ काम बता सकते हैं सांसद जी का? देखिए मैं एक सेकंड, सकल किसी ने नहीं देखा, मैं प्रत्याशी का समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन जो केंद्र में बैठा है, जो विजयी भव हुआ है, मैं उसका समर्थन दूंगा। किसका चयन करेंगे? इनका क्या नाम है, निषाद का, जो राहुल और गठबंधन है? नहीं प्रवीण निषाद नहीं, अरे उनका नाम डाला भैया हमारे, अरे बाप रे बाप, पूछे हैं निषाद तो आपके सांसद, अरे भैया कौन फार्म हम देखबन किए अभी, हम नाम देखबन के लिए चेहरा खबर हम है, बिल्कुल नहीं भैया, जो गठबंधन सरकार अभी बनने वाली है इन्हें भी जिता देखा, बिल्कुल भैया, भैया तू ना बोला के प्रत्याशी है, हाँ कौन जी अरिटी के प्रत्याशी, ऐसा ना भैया ना, ये सब कुछ नहीं करवा रहे, जितना मायावती जी कह रही है कहीं उतना नहीं कर पाई, अपने मन से का कुछ करवा ले, अपने मनाली का कुछ नहीं करवा पाई है, ऐसे बेकार जिताई है, प्रवीण जी का भाग्य काम कर रहा है, भाग नहीं वो प्रवीण जी का विनाश हो रहा है, अब की बात बिना का क्या हुआ बताइए, कहा था मैं, हेलो भैया देखिए, जैसे अगर किसी को राशन को लेकर दिक्कत है, किसी को पीएम किसान निधि को लेकर दिक्कत है, तो बहिष्कार कर दें, एक खुले उस पे लिख दें कि हमको नहीं चाहिए तो माना जाए, चाचा जी से ऐसा है कि क्या शिकायत है प्रवीण निषाद कह रहे हैं वो क्या राशन के लिए, राशन इनका दिया प्रवीण निषाद से, राशन इसने दिया है, भाजपा ने दिया है, कांग्रेस ने दिया, अगर ये 5 किलो राशन दे रहे हैं 5 क्विंटल का सर छोड़े हुए हैं, चाचा जी से पूछिए कि इनके गांव में कितने लोग के यहाँ 3 को एक साथ, पूछिए हमको ले चले चाचा, हाँ अपवाद बता रहे हैं कि मतलब कहीं कहीं ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला देते हैं कि सरकार पैदा देती है, बताओ, हाँ अपवाद है, होता होगा मैं मानूंगा, 2 होते होंगे 3 होते होंगे, पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन से किसान सम्मान निधि मिलती है, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से क्या हो गया, हमारा जो है गैस योजना मिली, मिले सब कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है, आप किसे जिताएंगे? बीजेपी तो अब की पूरी इंडिया से साफ हो जाएगी, क्योंकि 10 साल उनको दिया गया जो है, एक भी काम जो है बीजेपी के का नाम है फॉलोअर बता दे, एक काम भी दीजिए, कितना जो है सरकारी कंपनियां बनाया, कितना रोजगार दिया। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है 62 लोकसभा सीट संत कबीर नगर के पौली ब्लॉक में, चाय पे चर्चा होगी, हम लोग एक चाय की दुकान पे हैं, चाचा जी की चाय की दुकान है, और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं जो कि चाय और शाम का समय है, पकौड़ी समोसा खाएंगे और चाय पे बतियाएंगे। संत कबीर नगर लोकसभा सीट से प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सपा प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद, और बसपा ने उतारा है सैयद दानिश को। अब यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इनका मत किस तरफ किसके ओर जा रहा है, इन लोगों का झुकाव किसके तरफ है, किसको बनाएंगे यहाँ पे अपना सांसद। क्या नाम हुआ आपका? फरियाद अहमद। किसको अपना सांसद बनाएंगे? यही इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन से कौन लड़ रहा है? यही पप्पू निषाद। हाँ भाजपा को नहीं? नहीं नहीं भाजपा को कहाँ देंगे, बसपा ने उतारा है सैयद दानिश को। वो ठीक है उतारे, लेकिन हम लोग वोट उसी को करेंगे। हाँ उन्हीं को? हाँ हाँ। क्या खासियत है? अरे वो ठीक आदमी है, और राहुल गांधी भी है, प्रधानमंत्री बनेंगे, हम सस्ताई करेंगे और नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे, वही ठीक है। आप लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी बने। हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य पांडे। क्या कहेंगे, क्या माहौल रहेगा पौली ब्लॉक का? पौली ब्लॉक का या कहा जाए पूरे संत कबीर नगर का, इस समय पूर्ण बहुमत पे है बीजेपी। बीजेपी पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत पे है, क्योंकि चौबे जी के टूटने से काफी मुस्लिम समाज और खलीलाबाद जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से जगत जायसवाल जी के टूटने से कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस में हो गई है। अगर जयचौबे जी को यहाँ से टिकट दिया गया होता तो सपा जो है यहाँ से विजयी होती, लेकिन जयचौबे जी को टिकट ना देके यहाँ से प्रवीण निषाद जी जो है पहले ही विजयी हो चुके हैं। पहले लोग बड़ा विरोध कर रहे थे। हाँ विरोध कर रहे थे, देखिए प्रत्याशी गलत है, मैं प्रत्याशी को नहीं सपोर्ट दूंगा, लेकिन जो सरकार का एजेंडा है या जो सरकार 400 पार कह रही है, लोग सिर्फ सोचेंगे 400 पार क्यों चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि जब सरकार 400 पार सीटें लेके आएंगी तब अपने संविधान में जो भी सुधार हो सकेगा तभी कर पाएगी। अच्छा विपक्ष एक बड़ा आरोप भी लगाता है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। नहीं संविधान में बहुत सारे ऐसे हैं जो सुधार किए जा सकते हैं, उसको लाना जरूरी है। गरीबी किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं है, किसी
एक आदमी के पास 13 बच्चे हो जा रहे हैं तो 13 को कहां से प्रॉपर्टी देगा, सरकार कहां से नौकरी देगी। इसी चीज को लाने के लिए बीजेपी ने 400 जो सीट मांगा है वह जो है जनसंख्या कानून नियंत्रण लाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम रोक दिया जाए, लेकिन फिर भी नियंत्रण किया जाए, जो हम 2 बच्चों से करवा सकते हैं 13 की क्या जरूरत है। कहीं थोड़ी ना लड़ना आपस में या घर पटीदार में, हम 2 से भी तो वही कर सकते हैं। होने वाला है संत कबीर नगर में, देखिए प्रत्याशी लोग कहते हैं बाहरी है बाहरी है, यही लोग कहते हैं, लोगों का यही मत है जिससे पूछिए कि प्रवीण निशा जी बाहरी है। साल सांसद रहे हैं, कुछ काम बता सकते हैं सांसद जी का? देखिए मैं एक सेकंड, सकल किसी ने नहीं देखा, मैं प्रत्याशी का समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन जो केंद्र में बैठा है, जो विजयी भव हुआ है, मैं उसका समर्थन दूंगा, क्योंकि यहाँ से जो वहां बैठ रहा है उसकी वजह से सारा देश, सारा सरकार जो है वह चल रहा है। या प्रत्याशी क्या करेंगे, कोई भी सरकार आएगी वही रोड बनाएगी, चाहे अखिलेश आ जाए मुझे क्या दे देंगे। 2012 से पहले अखिलेश थे, उससे पहले मायावती थी, पहले कांग्रेस था, हमें क्या दे दिया आप बताइए, कोई संतुष्ट हुआ आज तक? नहीं हुआ किसी को कुछ। आपके सवाल को लेकर के चलते हैं चाचा जी के पास। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सलाम। ये तो कह रहे हैं कि कोई सरकार कुछ नहीं देती और यहाँ प्रवीण निशा जीत रहे हैं। अब कौन सा बताएं साहब, हम लोग भी 20 साल से नौकरी करते हैं, स्कूल में भंडारी हैं, समझे? और का नाम, अरे मोदी जी जब से आए तब से हम लोग एक पैसा भी नहीं बढ़ा, ये बताओ। पहले बढ़ता था, उसके पहले अखिलेश के टाइम में बोले कि 500 रुपया हर साल बढ़ेगा, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, योगी की आ गई, तब से फिर मैंने 1000 रुपया बढ़ी है, मगर अब 60 रुपया में कौन आजकल का बच्चा और कच्चा जिला पाएगा? 25-30 रुपया किलो जो आलू लेके खाली खाएगा कि और कुछ बच्चन? महंगाई का मुद्दा है। हाँ, महंगाई का मुद्दा है। तो क्या हो सकता है अब की बार चुनाव में संत कबीर नगर लोकसभा सीट में क्या होगा? हम लोग गठबंधन कब की वोट देंगे? हाँ भाई, कैसे दावा करत रहला चाचा का दो गठबंधन की ओर दे। अब देखिए सरकार हम आलू और प्याज के लिए नहीं बनाए हैं, मैं क्या कहा था अभी, मैंने भी सोचा है कि 2 बहुत है, अगर 2 है तो जैसे मैं जिंदगी यापन कर रहा हूँ अगला भी करेगा। मतलब सरकार बच्चों के लिए बनाए? बच्चों के लिए नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। नहीं नहीं, अरे आइए इधर आइए, बैठिए। आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिमों में 12 बात सुन लीजिए, उस वर्ग विशेष को ये टारगेट नहीं आपने कहा, लेकिन 2000 जो है 11 का आंकड़ा है कि जो है फर्टिलिटी जो है हिंदुओं में 2.1 और मुस्लिम में 2.6 जबकि दूना घट गया। तो आप जो कह रहे हैं आबादी नियंत्रण का, तो आबादी नियंत्रण तो वैसे तो हो रही है, अब की अगर का नाम है 2021 में जो जनगणना होती तो 2 ही पर आ जाती है, तो बराबर अगर 2 का नाम है अगर 2.1 से कम हो गई तो बूढ़ों की आबादी बढ़ने लगेगी। जैसे मिसाल है आपको कोरिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, 1 बच्चे का था उसके बाद 2 बच्चे किया, अब उसने जो है 3 बच्चे को किया है कि उनको फैसिलिटी दी जाएगी। कोरिया में जो है बच्चा पैदा करने के लिए जो है 74 लाख इंडियन रुपए में जो है उनको। चाचा जी, चाचा जी सुनिए, एक मिनट रुकिए चाचा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है, आप किसे जिताएंगे? बीजेपी तो अब की पूरी इंडिया से साफ हो जाएगी, क्योंकि 10 साल उनको दिया गया जो है, एक भी काम जो है बीजेपी के का नाम है फॉलोअर बता दे, एक काम भी दीजिए, कितना जो है सरकारी कंपनियां बनाया, कितना रोजगार दिया है, और कांग्रेस को जो मिला 5 देखिए 5 किलो राशन देते हैं, पहले 2 रुपए में का नाम है गेहूं और 3 रुपए में चावल मिलता था, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलता था, तो 3 × 9 = 13 रुपया हमको दे के फ्री, जहां 65 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था वहां 100 रुपए में ले रहे हैं, और उस वक्त जब 66 रुपए था तो $147 जो है पर बैरल जो है तेल मिलता था, और मोदी जी की जमाने में जो है $30 मिला, उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन से किसान सम्मान निधि मिलती है, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से क्या हो गया हमारा जो है, जो है गैस योजना मिली, मिले हाँ, सब भूसे में पड़ी। मंदिर का भी मामला है, राम मंदिर ने तो कोर्ट ने बनवा दिया, उसका क्या मामला रह गया, वो तो बन के तैयार हो गया, अब उसका क्या मामला कहेंगे? सर कोर्ट तो पहले भी था, जब से चल रहा है मुलायम जी की सरकार थी उन्होंने गोली चलवाई तब से लेके, और जब तक बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं थी उससे पहले तक भी वही कोर्ट। अंतिम सवाल आपसे, कौन
सरकार बनाई। सुनिए चाचा जी, मतलब है कि कोर्ट को का नाम है खरीद के का नाम है फैसला दिया गया जब नहीं नहीं आप क्या नाम जी? उमेश पांडे। क्या कहेंगे क्या होने वाला है? होने वाला संत कबीर नगर में भाजपा निकलेगी। भाजपा निकलेगी क्योंकि जो आप इन्हीं के साथी हैं? नहीं, इनके साथी नहीं है, ये दूसरे गांव से हैं और जो है चौराहे पे मुलाकात हुई, चौराहे पे चाय पी रहे हैं। क्या खासियत है? खासियत प्रवीण निषाद जी में खासियत नहीं है, लेकिन खासियत अगर एक स्तर से देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में है, और दूसरी चीज प्रवीण जी के भाग्य में खासियत है। आगामी दिनों में जैसे बात चल रही थी कि जो है इनको दिया जाए, भाग्य में खासियत है। चाचा क्या कहा आप, प्रवीण जी का भाग्य काम कर रहा है? भाग नहीं, वो प्रवीण जी का बिन हो रहा है, अब की बार बिन हो जाएगा। क्या हुआ बताइए, क्या कहा कहा था मैं? कहा हमारे पास, हेलो भैया, देखिए जैसे अगर किसी को राशन के को लेकर दिक्कत है, किसी को पीएम किसान निधि को लेकर दिक्कत है, तो बहिष्कार कर दें, एक खुले उस पे लिख दें कि हमको नहीं चाहिए तो माना जाए। चाचा जी से ऐसा है कि क्या शिकायत है? प्रवीण निषाद कह रहे हैं वो क्या राशन के लिए, राशन इनका दिया हुआ, प्रवीण निषाद से नहीं, राशन इसने दिया है, भाजपा ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, अगर ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 क्विंटल का सड़ छोड़े हुए है, 5 क्विंटल सड़ वो बंद करें तो राशन बंद करें। चलिए चाचा जी क्या कहेंगे, इन लोगों का बड़ा दावा है कि यहाँ से प्रवीण निषाद जीत रहे हैं, यहाँ से गठबंधन जीतेगी और क्या है, मतलब इनके दावे फेल जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, मुद्दे होंगे, मांग क्या होगी इस चुनाव में बताओ? जब किसी का डबल लड़का पैदा होगा तो एक लड़का डालेगा क्या बताओ? मतलब जुड़वा अगर हो, हाँ भाई साहब बाबा यार बाबा, तीन तीन भी बच्चे तो हो रहे हैं। अरे हाँ वही कह रहा हूँ, डबल हो या ट्रिपल हो तो क्या दोनों को डालेंगे? कह रहा है चाचा अगर ट्विंस होते हैं तो क्या एक बच्चा डालेगा कोई? नहीं उसी पे सामने सामने देखिए, हाँ बोलिए, वह बताइए बताइए क्या बोलिए, अगर ट्विंस के पैदा हुआ या तीन बच्चा पैदा हुआ क्या बच्चों के लिए नहीं कोई कह रहा है ना, अगर ट्विंस हुए हम दो हमारे दो, ये जो है कांग्रेस के समय से दो के बजाय तीन हो जाए तो जैसे मान लीजिए किसी को चाचा का सुन लीजिए, चाचा का कहना है किसी को पहला बच्चा सिंगल हुआ और दूसरा ट्विंस हुआ तो वो क्या करेगा, ऑप्शन क्या? मैं बता रहा हूँ ना, उसका ऑप्शन यही है कि दो को जो है पूर्ण रूप से सरकार का जो है अधिकार मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलेगा, और एक को जो अधिकार मिलना चाहिए वह जो है क्षम्य अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो पहले बच्चा पैदा हुआ है दो की गणना उनमें से होगी या जो बाद में हुए हैं? दो की गणना देखिए उलझा सवाल है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। चाचा क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? तो सरकार पैदा करी बताओ। चाचा जी जो सवाल पूछे हैं बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन किसी एक किसी एक अपवाद के लिए हम पूरे देश को नहीं अपवाद है, अपवाद है, किसी किसी में अपवाद है। चाचा जी से पूछिए कि इनके गांव में कितने लोग के यहाँ तीन तीन बच्चे पैदा हुए एक साथ, पूछिए हमको ले चलिए चाचा। हाँ अपवाद बता रहे हैं कि मतलब कहीं कहीं होते ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला देते हैं कि सरकार पैदा देती है बताओ। हाँ अपवाद है, होता होगा मैं मानूंगा, दो होते होंगे तीन होते होंगे। चलिए ये जनसंख्या नियंत्रण पे बातें अभी नहीं हो रही थी, अभी फिलहाल बातें इस चर्चाएं इस पे हो रही हैं कि संत कबीर नगर पौली ब्लॉक के लोग किसका चयन करेंगे। यहाँ से तीन प्रत्याशी हैं, प्रवीण निषाद भाजपा से, सैयद दानिश बसपा से, और गठबंधन के प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद। चाचा जी किसका चयन करेंगे बताइए? पप्पू निषाद क्या खासियत है? खासियत बहुत कुछ है, कुछ भी ना खासियत हो मगर देना उसी को है। सैयद दानिश नहीं ना, कुछ नहीं देना उसी को है। बताइए किसका चयन करेंगे? इनका क्या नाम है निषाद का जो राहुल और गठबंधन है? नहीं प्रवीण निषाद नहीं, अरे उनका नाम डाला भैया हमारे, अरे बाप रे बाप, पूछे हैं निषाद तो आपके सांसद, अरे भैया कौन फार्म हम देखबन किए अभी हम नाम देखबन के लिए चेहरा खबर हम हैं। बिल्कुल नहीं भैया, ये गठबंधन सरकार अभी बनने वाली है, इन्हें भी जिता देखा बिल्कुल भैया। सैयद दानिश को नहीं भैया, तू ना बोला माइनॉरिटी के प्रत्याशी हैं। हाँ कौन जी? माइनॉरिटी के प्रत्याशी। ऐसा ना भैया ना, ये सब कुछ नहीं करवा रहे हैं, जितना मायावती जी कह रही है कहीं उतना नहीं कह पाई, अपने मन से का कुछ करवा ले, अपनी माइनॉरिटी का कुछ नहीं करवा पाई है, ऐसे बेकार जिताई है। चलिए चलिए चाचा जी क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? बोलिए बोलिए एकदम बोलिए चाचा, क्या कहेंगे? हम तो हो गया हमारा, तो कह दिए जो कहना था। आप 99% कह लीजिए, 100% जो भी माइनॉरिटी का ये बेल्ट है, यहाँ सारा वोट गठबंधन को जाएगा। सौ के दानिश भी उतर गए। अरे उतरने से क्या होता है, प्रवीण निषाद मजबूती से लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। अब उनको हम कहें कहेंगे कि वो कमजोर हैं, हम कमजोर तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो जनमानस है वो पप्पू निषाद की तरफ है, गठबंधन की तरफ है।
तो मित्रों ये पौली ब्लॉक के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। इन लोगों में जब हम लोग चुनावी चर्चा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना ये है कि गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद की तरफ इन लोगों का झुकाव है। और इन्हीं में कुछ लोग आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से प्रवीण निषाद जीत रहे हैं। इन्होंने बताया, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।